हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल काका इन्फोटेक। इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंकिंग रिटेलर के फर्स्ट लॉगिन के बारे में। अगर आप बैंकिंग के रिटेलर बनना चाहते हैं या फिर अपना बैंकिंग के रिटेलर बने हैं तो फर्स्ट लॉगिन कैसे करेंगे मोबाइल में। तो मोबाइल में फर्स्ट लॉगिन करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर सर्च करना होगा बैंकिंग। बैंकिंग लिख करके सर्च करेंगे आपके सामने ऐसा ऐप आ जाएगा। इस एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल करना होगा। मैंने पहले से इंस्टॉल करके रखा है क्योंकि वीडियो बनाने में ज़्यादा समय ना लगे। इसको ओपन करना है। इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन करना है और अपना आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है। यहाँ पे यूजर नेम, यहाँ पे ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर जो दिखा रहा है, यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे जिस नंबर से आईडी बना हुआ है, और यहाँ पासवर्ड डालेंगे अगर आपके ईमेल पे पासवर्ड आया है तो। अगर अपना पासवर्ड भूल गए हैं या फिर नहीं आया है तो आप यहाँ मोबाइल नंबर ऊपर डाल देंगे और आपको यहाँ फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे। फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक करके आप अपना नया पासवर्ड बना लेंगे। उसके बाद जब आपका पासवर्ड बन जाए तो आपको फिर वो पासवर्ड आपको यहाँ पे टाइप कर देना है और लॉगिन पे क्लिक करना है। अपना पासवर्ड डाल के लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन पे, आपके मोबाइल पे एक ओटीपी जाएगा जिसको आपको यहाँ पे डाल लेना होगा। जैसे ओटीपी जाएगा अपना डाल करके सबमिट करेंगे तो आपके सामने एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। इसमें आपको, अगर आप फर्स्ट लॉगिन कर रहे हैं तो आपको इसके बारे में हम बता दें कि सबसे ऊपर यहाँ पे जो दिया है आपका वॉलेट है, ये आपका वॉलेट दिया है जो मेरे वॉलेट में इतना पैसा है। उसके बाद अगर आपको मनी ट्रांसफ़र करना है तो यहाँ कस्टमर का मोबाइल डालेंगे। यहाँ मनी ट्रांसफ़र में यहाँ कस्टमर का मोबाइल नंबर डाल के यहाँ एरो पे क्लिक करेंगे। यहाँ एरो पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे और IFSC कोड, अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर नेम डाल के रजिस्टर करेंगे, मोबाइल नंबर रजिस्टर करेंगे, उसके बाद अकाउंट रजिस्टर करेंगे, उसके बाद मनी ट्रांसफ़र करेंगे। उसके बाद अब यहाँ पे APS दिया हुआ है, माइक्रो ATM दिया हुआ है। अगर आप कैश विड्रॉल बैलेंस इंक्वायरी करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे APS पे क्लिक करना होगा और यहाँ कैश विड्रॉल दिया हुआ है, इधर बैलेंस इंक्वायरी दिया हुआ है। बैलेंस इंक्वायरी करने के लिए आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर, बैंक सेलेक्ट कर लेना है किस बैंक से पैसा चेक करना है, उसके बाद कस्टमर का आधार नंबर, उसके बाद बायोमेट्रिक डिवाइस आपके पास कौन सा है, उसके बाद एजेंट कंसेंट पे क्लिक करना है, कस्टमर कंसेंट पे क्लिक करना है, उसके बाद कैप्चा फिंगरप्रिंट पे क्लिक करना है। आपके फिंगरप्रिंट का लाइट जलेगा, आप अपने कस्टमर का फिंगर लेंगे और उसका हाथ रखने के बाद यहाँ पे आपको बता देगा कि उसके खाते में कितना पैसा है। उसी तरह ये APS पर क्लिक करके इधर कैश विड्रॉल करने के लिए मोबाइल नंबर, बैंक सेलेक्ट, आधार नंबर, अमाउंट चूज, बायोमेट्रिक डिवाइस, उसके बाद एजेंट कंसेंट, ये सब राइट कर देंगे। कैप्चा फिंगरप्रिंट पर क्लिक करेंगे, आपके कस्टमर का फिंगर लेंगे और उसके बाद सबमिट करेंगे। अकाउंट से पैसा कट करके आपके यहाँ वॉलेट में आ जाएगा। उसके बाद आपको बता दें यहाँ पे माइक्रो ATM भी है अगर माइक्रो ATM यूज करना चाहते हैं तो। उसके बाद यहाँ पे प्रीपेड कार्ड दिया हुआ है, उसके बाद रिचार्ज एंड बिल पेड्स, यहाँ पे सभी चीज़ का रिचार्ज और बिल पे कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारा रिचार्ज और बिल पे दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ है माई डैशबोर्ड। यहाँ सबसे पहले आप देख रहे हैं कि ट्रांजेक्शन हिस्ट्री है। आप कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, आप कुछ भी काम कर रहे हैं तो यहाँ ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में आपको चेक कर लेना है। उसके बाद यहाँ है ट्रांजेक्शन इंक्वायरी। आपको कोई भी ट्रांजेक्शन इंक्वायरी करना है तो आप वहाँ से ट्रांजेक्शन आईडी कॉपी करके यहाँ पेस्ट करके आप सर्च करेंगे, आपका बस सब बता देगा। उसके बाद यहाँ पे है सेटलमेंट। सेटलमेंट पर क्लिक करके आप यहाँ से अमाउंट डालेंगे और सबमिट करेंगे, आपके अकाउंट में पैसा चला जाएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 1500 रुपया है तो यहाँ पे मैं सेटलमेंट करना चाहता हूँ 1000 रुपया, तो यहाँ पे 1000 रुपया डाल देना है और 1000 रुपया डाल के यहाँ सबमिट पर क्लिक करेंगे, इंस्टेंट रहने देंगे, सबमिट पर क्लिक करेंगे, मेरे अकाउंट में पैसा चला जाएगा जो मैं अकाउंट यहाँ रजिस्टर किया हूँ। तो इस तरह से आप अपना फर्स्ट रिटेलर लॉगिन करके आप अपना